नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल में। इसका नाम है मोहित दिल्ली वाला, मेरा नाम है मोहित सतीजा और वेलकम टू द न्यू वीडियो, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, लेके आ गया हूँ आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो MDW फिटनेस की तरफ से। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजस्टेबल डंबल्स के बारे में। दोस्तों, एडजस्टेबल डंबल्स की शुरू से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रही है मेरे पास। आज हम इन्हीं डंबल्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमने इनमें कुछ अपडेट कर दिया है। तो प्लेट्स जो हमने कर दिए हैं वो क्रोम प्लेटेड कर दिए हैं और जो रॉड्स हैं वो भी क्रोम प्लेटेड हो गई हैं। और 14 इंच की रॉड्स पे ही हम 5 kg से लेकर 40 kg तक के डंबल्स बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो वीडियो में बने रहना और कहीं नहीं जाना है मेरे को छोड़ के। और अगर अभी तक मेरा चैनल यूट्यूब पे मोहित दिल्ली वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टाग्राम में मेरा @ मोहित दिल्ली वाला, वो जाके फॉलो कर लो, वहां पर मैं अपनी रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूं। आज बात करेंगे एडजस्टेबल डंबल्स के बारे में, क्रोम प्लेटेड 5 kg से लेकर 40 kg तक हम इसी 14 इंच की डंबल रॉड्स में बनाएंगे। पहले की वीडियोस में आपने देखा था कि हम 17 इंच 19 इंच रॉड्स भी मैन्युफैक्चर करते थे, बट अब उनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसी पे 40 केजी तक का डंबल बना सकते हैं, क्योंकि हमने जो क्रोम प्लेट्स हैं, ठीक है, ये MS माइल्ड स्टील पे हमने क्रोम प्लेटिंग की हुई है। ये हमने इसकी प्रोफाइल थिकनेस, जो ये थिकनेस है वो बहुत कम कर दी है, ठीक है। तो इसी वजह से ये यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्लेट्स लोड हो सकती हैं। सारी चीजें करके दिखाऊंगा इस वीडियो में मैं आज आपको। इस वीडियो में हम 5 kg से लेकर 40 kg तक के सारे डंबल बना के देखेंगे। तो एक एक करके सारे डंबल बनाएंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्या क्या सेट बन सकते हैं इसके, ठीक है, क्या क्या फॉर्मेटिंग रहेगी। शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले हम बना के देखते हैं 5 kg का डंबल, ठीक है। तो हमें चाहिए 2.5 kg की प्लेट्स और 5 kg की प्लेट्स, राइट। तो 2.5 kg की प्लेट्स हम बनाएंगे, ठीक है, 2.5, ये तैयार हो गया 5 kg का डंबल, ठीक है, 5 kg का डंबल। ऑब्वियसली नट्स इसी के साथ आएंगे, रॉड्स के साथ नट्स हम यहां पर स्क्रू अप कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 kg का डंबल तैयार हो गया। अब हम देखते हैं 10 kg का डंबल तैयार करके, इनको निकाल लेते हैं और 5 kg की एक प्लेट हमने यहां लगाई और 5 kg की एक प्लेट हमने यहां पर लगाई, ठीक है। तो ये तैयार हो गया 10 kg का डंबल, ठीक है। तो ये बहुत ही स्लिम प्रोफाइल की प्लेट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही थिन प्लेट्स बनाई हैं हमने, चाहे वो 2.5 की हो चाहे 5 की हो। रीजन बीइंग ताकि 14 इंच की रॉड पे ही सारी प्लेट्स एकोमोडेट हो जाएं, क्योंकि जैसे जैसे रॉड बड़ी होती जाती है तो रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो ये हमारे पास फीडबैक आ रहा था, तो इसी के चलते हमने अपनी प्लेट्स की प्रोफाइल को कर लिया है थिन, ठीक है। तो अब देख लिया हमने 10 kg का डंबल, अब बात करते हैं इसके आगे, चलते हैं और बना के देखते हैं 15 kg का डंबल। 15 kg हम कैसे बनाएंगे, 10 हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, 2.5 kg की प्लेट्स हमने ली और ये हमने बना दिया 15 kg का डंबल, 7.5, ठीक है। 15 kg का डंबल ये तैयार हो गया। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा मुझे क्वेश्चन आता है, पेयर का क्या मतलब रहता है, ठीक है। तो पेयर मतलब ये दो डंबल साथ में आएंगे, एक पेयर मींस टू पीसेस, ये मैंने वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और आपको मैं आज बता भी रहा हूं ताकि आप बार बार ये ना पूछें कि एक पेयर में कितने पीसेस रहेंगे, कि सिंगल पीस रहेगा या टू पीस। तो वन पेयर मींस टू पीसेस, जिनको नहीं पता उनके लिए। अब चलते हैं 20 kg पे, तो ये प्लेट्स हम निकाल लेंगे 2.5 की और यहां पर हम डाल देंगे 5 kg की प्लेट्स और, ठीक है। तो ये बन गया 20 kg, बहुत आसान है। 5 और 2.5 किलो की प्लेट्स की वेरिएशन करनी है हमने, 5 किलो की प्लेट्स भी हमारे पास रहेंगी, 2.5 किलो की भी प्लेट्स रहेंगी और हमारी वेरिएशन से ये डंबल्स बनते चले जाएंगे। 20 kg हो गया, बात कर लेते हैं 25 kg की। तो 25 kg के लिए हमने क्या करना है, 25 kg, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहां पर कितनी ज्यादा जगह बची हुई है इसकी, यहां पर कॉलर पे, तो हमारी और प्लेट्स जो है इजिली आ सकती हैं, ठीक है। तो 14 इंच की रॉड है, प्लेट्स ज्यादा से ज्यादा इसी पे आज मैं आपको ला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब इसे निकाल लेते हैं, 25 बन चुका है, बात कर लेते हैं 30 kg के डंबल की। तो हमने क्या करना है, 5 kg की प्लेट, 5 kg की प्लेट, ठीक है। तो ये बन गया 30 kg का डंबल, ठीक है। अब बात करते हैं 35 kg बनाना है, तो 35 kg के लिए फिर हमने सिंपल 5 kg ऐड किया और
ये बन गया 35 केजी का डंबल। अभी भी यहां पर इजीली नट को मूव करने की प्रॉपर जगह है दोनों साइड, ठीक है। 35 केजी का डंबल बनने के बाद भी आपको दिखा देता हूं एक बार ताकि आपको डाउट ना रहे, ये देखो, ठीक है। यहां पर नट इजीली यहां पर स्क्रू अप टाइट हो जाएगा दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये बात हो गई 35 केजी के डंबल की। आप चलते हैं मेन 40 केजी मैक्सिमम जो इस पे हम डाल सकते हैं 5 केजी की प्लेट्स यूज करके, ठीक है। वो ये दो डंबल्स बने हुए हैं, आपको दिखाता हूं, ये देखो, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 5 की 8 प्लेट्स हैं एक डंबल पे। और यहां पर देखो कितनी जगह बची हुई है नट को लॉक करने के बाद भी, ठीक है। तो टोटल ये 40 केजी है, 5 × 8 40 केजी की प्लेट्स लगी हुई हैं, 40 केजी का डंबल है। ऐसे ही डंबल्स पेयर में ही आएंगे, जैसे कि ये देखो, ठीक है। तो ये दो 40 केजी के डंबल्स हैं। तो अगर आप 5 केजी टू 40 केजी का डंबल सेट ले रहे हैं, जो कि मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी डला हुआ है www.mohitdillywala.com पे, तो वहां पर उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा मैंने वेबसाइट पे भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आज मैं आपको बता भी रहा हूं डिटेल में, ठीक है। तो इंक्लूड रहेंगी दो डंबल रॉड्स, ठीक है, साथ में 5 किलो की 16 प्लेटें, 16 × 5 80 केजी, ठीक है। साथ में 2.5 केजी की 4 प्लेट्स रहेंगी ताकि हम वेरिएशन परफॉर्म कर सकें, जैसे 5 10 15 हमने देखा, वो वेरिएशंस हम 2.5 केजी से परफॉर्म कर सकें, 5 की 15 की 25 की 35 की। तो उसके लिए 2.5 केजी की 4 प्लेट्स इस सेट में ऐड रहेंगी। तो क्या क्या आएगा, डंबल रॉड्स 2 पीस, 5 किलो की 8 प्लेट्स प्लस 8 16 प्लेटें, ठीक है, और 2.5 केजी की 4 प्लेट्स। ये 5 केजी से लेकर 40 केजी तक का सेट जो है, अगर आपको इकट्ठा ये लेना है जो कि वेबसाइट पर डला हुआ है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। और आप सेपरेटली भी ये चीजें ले सकते हैं, सपोज आपको 5 केजी का लेना है, या आपको 10 केजी लेना है, या आपको 20 केजी तक लेना है, तो वो भी आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। अप टू 30 केजी लेना है तो वो भी कर सकते हैं, अप टू 20 केजी 40 केजी जो भी आपको लेना है वेबसाइट पे इजीली जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये क्विक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हमने 14 इंच पे कैसे 5 केजी से लेकर 40 केजी तक के डंबल बनाए हैं, प्रोफाइल छोटी कर दी है और क्रोम प्लेटिंग कर दी है रॉड्स पे भी और प्लेट्स पे भी, और साथ में प्रॉपर ये ग्रिपिंग के लिए हमने स्पेस प्रोवाइड की है। तो ग्रिपिंग प्रॉपर है, अच्छे से होल्ड होती है और फिसलता नहीं है हाथ से डंबल, ठीक है। तो ये लो कॉस्ट अल्टरनेटिव है। अगर आप यही चीज फिक्स डंबल्स में लेंगे, 5 केजी से लेकर 40 केजी तक जाएंगे वेरिएशन, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और ये एडजस्टेबल डंबल्स लेंगे तो ये आपको लो कॉस्ट पड़ेगा। प्राइसिंग सारी चीजें डिटेल मेरी वेबसाइट www.mohitdillywala.com पे मेंशनड है, वहीं से आप डायरेक्टली ये डंबल्स परचेज कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, और मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके आप ऑर्डर्स बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्विक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश करी है आपको डिटेल में बताने की क्रोम प्लेट्स एडजस्टेबल डंबल्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप और आप सबके घर पे सब अच्छे होंगे। कोरोना से हमें मिलकर लड़ना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। घर से जरूरी हो तो ही बाहर निकलना है, नहीं तो घर पे रहना है। फिटनेस का ध्यान रखना है, डाइट अच्छी रखनी है, ठीक है। चलता हूं, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए एज ऑलवेज मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो 40-40 किलो दे डंबल उठा के खोज लो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।